पिया जी, ओ पिया जी, पिया जी, ओ धर्मपाल की परली सीट पे, परली परली सीट पे। क्यों? मैं तो इस सीट पे बैठूंगी जिस जहाज पे तो नीचे डाल गिरेगी मुझे। आप जाए क्यों रहे हो पर एक पूरे क्या हो गया? कैसे गुंगे हो गया? हाथ हाथ ना, मुझे तो ऐसा लगे एक तो काना था, दूसरा गुंगा निकल गया। लगे गुंगा नहीं हूँ, वो डर लगे, डर लगे। अच्छा, किस बात का डर? तुझ ते डर लगे? क्यों, मैं कोई भूत नहीं हूँ? कुछ भी हो सके, अभी कुछ पता नहीं है, जांच करने से पहले मैं बता नहीं सकता। जब डर नहीं लगता था जब फेरे लिए थे? वो तो गलती हो गई थी, मतलब जूडे और लाल की खातर लिए थे। अच्छा, मुझे क्या पता था तू सिर पड़ जाएगी, तू उस काने के गेल चली जा, 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 जा। मैं ना जाऊं काने की गेल, शादी तुम्हारे साथ में हुई है तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब तो फेरे ही पड़े हैं, मेरे बिना लगन चढ़ाना, तेल चढ़ाना, उकना फूकना कुछ हुआ। अच्छा हाँ, मैन तो फेरे ही होते हैं। हाँ फेरे तो पड़े। चल तू इसकी सीट पर रह ले, मैं इधर रह लूंगा। मैं उस सीट पे बैठूंगी जहाँ आप बैठोगे। इतना भी तंग ना करे, देखियो वो नंदराम प्रधान जी और वो देख रहे हैं, यूं कहेंगे छोरा तो शर्मा वे ज्यादा। उल्टा हो रहा है। हाँ, शर्माना मुझे चाहिए पर शर्मा तुम रहे हो। दो बात कर लो प्यार की मीठी मीठी। मेरे पे प्यार की परिभाषा ही नहीं पता मुझे, प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने आप सिखा दूंगी, पर बात तो करो। हाँ चल बता। ये बताओ, ओ हाथ तो दूर दूर रख थोड़ा सा। ओ क्या हुआ? ये तो थी मजाक की बात पिया जी। क्या आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा आपका गांव है, घर कहाँ है आपका? धर्मपाल की, मेरे बारे में कुछ ना पूछो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? अब आप मेरे पति हो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके बारे में जानूं। धर्मपाल की, मेरे जैसा बदनसीब तो इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। बदनसीब? हाँ। वो कैसे? अगर सुनना चाहती है तो प्रिय सुन, अपनी सारे हालात बताऊंगा। मैं कोई कमजोर घर का व्यक्ति भी नहीं था, पर वक्त का सताया और किस्मत का मारा और व्यक्ति हूँ। मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, लंबी चौड़ी जमीन जायदाद भी थी। अच्छा। परंतु परिस्थिति बस मैं कहाँ रहता हूँ और किन हालातों में अपना गुजारा करता हूँ। हाँ। और तेरे तक क्यों डर रहा हूँ? क्यों? मैं भी जानता हूँ, जिस लड़के को नई दुल्हन मिल जाए उस जैसा दिन दूसरा कोई सुख का होता नहीं है। अच्छा। परंतु ये सुख के दिन भी मेरे लिए दुख से भरे हुए हैं। वो क्यों बता दूं? जी सुन ले। जननी पे कर दी क्या उस राम ने दया, पर ब्याही एक जन्या था जेठा, अरे बेटा दोरे ना रया। एक जन्या था जेठा, संग नौकर चार। हाँ। चालिया कर थे पल भर भी धोरे ते कोन्या। चालिया कर थे और मात पिता कच्चे दूध्या ते। हाँ। पालिया कर थे
हम जगत सेठ थे, हम जगत सेठ थे, जहाज हमारे चाल्या करते, जगत सेठ थे, जहाज हमारे चाल्या करते, फिर इसी कुछ माया फिर भी थोड़े ना रहा, एक जगाता जेठा साल का हम डूब तीर के दमड़ी तक भी ना छोड़ी घर चोर फिर गए, दमड़ी तक भी ना छोड़ी घर चोर फिर गए, अरे कुछ धन चल गया लुट गया छुट गया भूखे मार गए, हापुड़ के मां हापुड़ के मां फिर पिता मन गिरवी धर गे, हापुड़ के मां फिर पिता मन गिरवी धर गे, अरे के बुझगी गोरी दुखड़ा, के बुझगी गोरी दुखड़ा, के बुझगी गोरी दुखड़ा, जाता ना सया एक जगाता मनसा सेठ के रह के मन, मनसा सेठ के रह के मन पढ़ाई भी करी, देश देश में घूम के कमाई भी करी, सब कुनबे की कई कई बे पढ़ाई भी करी, मार पीट लिया तन मन में समाई भी करी, मार पीट लिया तन मन में समाई भी करी, अब मात पिता मिलते को नारा, मात पिता मिलते को ना, मेरे मात पिता मिलते को ना, दुख चाहता ना सया एक जन्या था बेटा वो बेटा तोरे ना रया, एक जन्या था श्री लक्ष्मी चंद कह मनसा सेठ के, लक्ष्मी चंद कह मनसा सेठ के, मैं रहा करूं सू उस सेठ की सेठानी में, माँ कहा करूं सू उस सेठ की सेठानी में, माँ कहा करूं सू, अब दो भाई दो भापा जमन की,
रहा करूं सुन। मेरे सौ सोता ने मारे सबकी सया करूं सुन। अरे सौ सोता ने मारे सबकी सया करूं सुन। एक मेरा तू पल्ले लदी दुख दुनिया ते नया एक जनिया था जेठा पे कर दी दयावती जननी पे कर दी। अरे राम ने दया एक जनिया था जेठा बेटा